हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेकी का इतिहास जानते हैं। भगवान बुद्ध मात्र अपनी हथेलियों के स्पर्श से ही किसी भी व्यक्ति का रोग दूर कर दिया करते थे। भगवान बुद्ध ने अपनी यह शक्ति अपने कुछ चुने हुए शिष्यों को प्रदान की, परंतु आगे चलकर बहुत संत व्यक्ति के आत्म परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने लगे, जिससे हाथों की हथेली द्वारा स्पर्श करके रोग ठीक करने वाली यह पद्धति धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। अब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जापान के डॉक्टर मिकायो उसुई ने अपने गहन अध्ययन तपस्या के बल पर लुप्त हो चुकी इस पद्धति का पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने जापान में बहुत खूबी से इस पद्धति का प्रचार प्रसार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह नियम भी बना दिया था कि रेकी का उपचार ये पद्धति जापान के बाहर के देशों में ना जाए। अब डॉक्टर मिकायो उसुई ने 1935 में अपना शरीर त्यागने से पहले डॉक्टर हयाशी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। डॉक्टर हयाशो बहुत अधिक आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। वो जानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध अवश्य होगा, जापान उसमें अवश्य सम्मिलित होगा और उसकी बर्बादी निश्चित है। तो इसके चलते रेकी शक्ति जापान के साथ लुप्त न हो जाए, इसलिए उन्होंने जापान से बाहर हवायो टाकाटा को रेकी ग्रैंड मास्टर बनाया, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपना शरीर त्यागने से पहले उनको निर्देश दिया कि वो ये रेकी शक्ति को लेकर के अमेरिका चले जाएं। उनको ऐसा लगता था अमेरिका में यह शक्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। अब हवायो टाकाटा इस पद्धति को लेकर अमेरिका चले गए। वहां से ही विश्व के विभिन्न देशों में रेकी का प्रचार प्रसार हुआ। भारत में भी वहीं से घूमती फिरती रेकी आई और भारत में इसका रेकी का पहला सेमिनार 1989 में हुआ। और इस प्रकार 1989 के बाद रेकी हर घर में, आज तक हर घर में रेकी का प्रचार प्रसार हुआ। लाखों लोग रेकी पद्धति से लाभान्वित हुए। अब तो घर घर में बच्चा बच्चा भी इस पद्धति को जानता है। बच्चे पढ़ाई में अपने ब्रेन को एनहेंस करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग इससे बहुत अधिक लाभान्वित होते हैं, अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। अगर कोई इस पद्धति को नहीं जानता है, नहीं सीखी है, नहीं लाभान्वित हुआ है, तो आप इस पद्धति का जरूर लाभ उठाएं। कम से कम आप लोगों को, सभी को फर्स्ट लेवल जरूर सीखना चाहिए। फर्स्ट लेवल सीखने के बाद हर व्यक्ति कम से कम अपना ट्रीटमेंट, अपने शरीर का ट्रीटमेंट, अपने रोगों को दूर करना तो आ ही जाएगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ हर घर में हर एक व्यक्ति रेकी फर्स्ट लेवल जरूर सीखे, ताकि हर इंसान रोग मुक्त हो। जय रेकीवाद।